गुड इवनिंग इंजीनियर। अभी हम लोगों ने इसके पहले कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ा था। आपने देखा होगा कि कॉन्क्रीट था, मोर्टार था, तो मिक्सचर ऑफ किसका था? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। या फिर मोर्टार क्या था? सीमेंट और सैंड का। मतलब सीमेंट में हम क्या करते थे? एग्रीगेट मिलाते थे, चाहे फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो। और हमने मोर्टार बनाया, कॉन्क्रीट बनाया। कॉन्क्रीट हमने कई प्रकार के पढ़े, लीन कॉन्क्रीट, नॉर्मल कॉन्क्रीट, रिच कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट और नंबर टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट हम लोगों ने पढ़े हैं कि कॉन्क्रीट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कितने ग्रेड का कॉन्क्रीट कहाँ पे यूज होता है, किस स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, ये सब भी हमने देखा। हमने पढ़ा था कि कॉन्क्रीट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, और जबकि वीक किस में होता है? टेंशन में। इसलिए हमने ये भी उस समय ही देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रीइंफोर्समेंट स्टील हम क्या करते हैं? इसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें क्या आ जाए? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाए, तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना रहे? न्यूट्रल एक्सिस पे बिल्कुल सही बना रहे और स्ट्रक्चर हमारा फेल ना हो। अब जो रीइंफोर्समेंट हमने पढ़ा था कि जो रीइंफोर्समेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमको क्या करना है? स्टडी करनी है कि रीइंफोर्समेंट बार क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, ग्रेड क्या होते हैं, कितने कितने एमएम्स के होते हैं, कितने एमएम डायमीटर्स के होते हैं, कितने लंबे होते हैं, कहाँ पे कितने बार्स हमको यूज करना होता है। हमको केवल इतना पढ़ना है इसमें कि बार्स क्या होता है, बार्स का टाइप क्या है, बार्स का ग्रेड क्या है और बार्स हम कहाँ पे यूज करेंगे। बाकी जो बार्स आपका बार्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। बाकी बार्स कब कितनी जगह यूज करना है, ये सब कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी आपकी क्या होगी, ड्राइंग होगी, उसमें लिखा रहेगा कि इतने एमएम का बार्स लगाना है, इतने एमएम सेंटर टू सेंटर। हमको कल अभी बार्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट बार के लिए अपन देखते हैं, हमने लिखा रीइंफोर्समेंट बार क्या है। रीइंफोर्समेंट बार reinforcement bar, इसको हम क्या कहते हैं? आर ऑल्सो नोन एज रीबार्स। इसको क्या कहते हैं? आर ऑल्सो नोन एज रीबार्स। ये इसका क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। reinforcement बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़ा नहीं बोल पाते, तो इस शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया? रीबार्स बोल दिया। रीबार्स आज आप समझ लीजिए कि क्या है आपका? reinforcement bar है, ठीक है? एंड इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, एंड इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, एंड इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन टू इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ It is used in construction to improve the tensile strength and durability of concrete structure. Reinforcement bar क्या है आपका? Reinforcement bar को आप rebar भी कहते हैं और ये आपका कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ताकि आपके स्ट्रक्चर को क्या दे सके? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सके, ठीक है? और उसकी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। इसलिए हम रीइंफोर्समेंट बार कहाँ पे कॉन्क्रीट में यूज करते हैं, ठीक है? अब जो रीवाल्स आपके होते हैं, रीबार्स आर टाइपिकली लेड और इरेक्टेड rebars are typically laid or erected within forms of hollow core क्या होता है? जो रीबार्स आपका होता है, रीबार्स को आप क्या करते हैं? लेड कर देते हैं या इरेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि ये कैसा होलो कोर की तरह दिखता है। मतलब आप जब बार्स लगाते हैं तो आपको कैसा लगता है? होलो मटेरियल जैसा दिखता है। कहाँ पे? प्रियर टू द पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट।
मतलब कॉन्क्रीट को पोर करने के पहले, कॉन्क्रीट को डालने के पहले आप क्या करते हैं, हमेशा अपने बार्स लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप पहले कॉन्क्रीट लगा दो और फिर उसमें अलग से बार डालो, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका होलो कोर बनाना पड़ता है, या हम कहेंगे स्केलेटन टाइप का बनाना पड़ता है। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, कि ढांचा टाइप का हमको बनाना पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हैं फिर कॉन्क्रीट को पोर करते हैं। तो कॉन्क्रीट को पोर करने के पहले हम क्या कर देते हैं, रिइंफोर्समेंट बार का हम यहाँ पे इरेक्टेड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अब जो आपका रिवर्स होता है, रिवर्स फॉर्म ए स्टील स्केलेटन क्या हो गया, स्टील फॉर्म से स्टील रिवर्स फॉर्म में स्टील स्केलेटन लाइक फ्रेमवर्क, लाइक फ्रेमवर्क विद इन फुटिंग within footing wall slab columns roofs and other concrete कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो आपका रिवर्स होता है वो कैसा क्या करता है, आपका स्टील स्केलेटन की तरह बना देता है। स्टील का उसने ढांचा बना दिया, जैसा का फ्रेमवर्क होता है, उसमें फ्रेमवर्क लगाया हमने, और फिर क्या किया हमने, उसमें फुटिंग हो चाहे वॉल्स हो, चाहे स्लैब हो, चाहे कॉलम हो, चाहे रूफ हो, या अदर कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, हमने स्केलेटन बनाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, कॉन्क्रीट डालते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपका जो रिइंफोर्समेंट बार है, रिइंफोर्समेंट बार क्या होता है आपका, उसको आप रिवर्स भी कहते हैं, और वो आपका कहाँ पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है आपका, कि किसी भी स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात केवल इसकी यही रहती है कि टू गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब आरसीसी के बारे में बताया था, तब बताया था कि जो आप क्या करते हो, कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो क्या होता है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो ऊपर से नीचे की तरफ वो क्या होने लगता है, फेल होने लगता है। अब जब वो नीचे की तरफ फेल होगा, यदि उसमें आप क्या कर दोगे, जैसे आपने मान लो कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और यह आपका क्या है, कंप्रेशन जोन है, ये आपका टेंशन जोन है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट क्या आपका स्ट्रांग है कंप्रेशन में, और आपने क्या कर दिया, टेंशन में आपने उसमें स्टील बार्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसको गिव कर देगा, दे देगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ देने की वजह से जो अभी ये फेल होने वाला था, जनरली ये फेल कैसे होता है, मान लो इस तरीके से होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है, ये आपका लोड लग रहा, तो किस तरीके से ये फेल होगा, ये आपका इस तरीके से आपका फेल हो जाएगा, कि ऊपर से जाएगा, ऊपर से सिकुड़ते हुए नीचे से पूरा तरीके से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, कॉन्क्रीट में आपने जब स्टील डाल दिया, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे आप मान चलो आपका कॉलम, अब कॉलम आपका क्या होता है, उसमें कौन सा लोड आता है, कंप्रेशन लोड आता है, तो कॉलम में तो कंप्रेशन लोड आ गया, लेकिन आपकी बीम है, ठीक है, तो बीम में क्या आएगा, आपका टेंशन भी आएगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टील प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और जब भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर फेल होता है, मैंने पहले ही बताया था कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि आरसीसी स्ट्रक्चर आपका फेल होने वाला है, तो सबसे पहले क्या फेल होगा, आपका स्टील आपका क्या होगा, फेल होगा, और फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। स्टील की वजह से ही आपका पूरा स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, फेल होता है। इतनी बात समझ में आ रही बात समझ में। ये आपका रिवर्स रिइंफोर्समेंट बार। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्स, कौन कौन से हमारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील बार्स, वैसे हम देखें स्टील के जो क्या होते हैं, स्टील बार्स के टाइप्स होते हैं, बहुत होते हैं, कई प्रकार के बार्स होते हैं,
माइल्ड स्टील हो गया, डिफॉर्म्ड स्टील हो गया, डिफॉर्म्ड स्टील के अंदर HYSD आता है, TMT आता है, फिर TOR होता है, TMX होता है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, गैल्वनाइज्ड होता है। लेकिन हमको जो यूज करना है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली यूज होते हैं, वो केवल कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा माइल्ड स्टील, दूसरा है हमारा HYSD स्टील, ये डिफॉर्म्ड बार्स के अंदर ही आता है HYSD स्टील, और फिर है आपका TMT बार्स। नॉर्मली आप इनको आप यूज करते हो, ठीक है, माइल्ड स्टील को, HYSD को और TMT को। आज तो फिर पूरा हमेशा TMT बार्स को ही अपन हर जगह यूज कर रहे हैं, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन है, तो मेन हमको TMT बार से ही मतलब है। लेकिन इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब आपका क्या होता है, जो सबसे पहले आपका होता है माइल्ड स्टील, जो माइल्ड स्टील होता है वो कैसा होता है, राउंडेड शेप, जितने भी बार्स होते हैं सब आपके राउंडेड शेप्स के रहते हैं, लेकिन इसमें जो सरफेस होता है माइल्ड स्टील का वो कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। क्या प्लेन रोड हो, जो प्लेन होता है इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, वो माइल्ड स्टील होता था आपका। इसके बाद HYSD TMT बता रहा हूँ, उसमें रिप्स लग्स आ जाते हैं। तो जो आपका माइल्ड स्टील है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि द सरफेस ऑफ द माइल्ड स्टील बार्स आर प्लेन। जो इसका क्या होता है, सरफेस होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे आपका बार से, अब इस बार में क्या होगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का ऐसे ऐसे जो लगे रहते हैं रिप्स कहते हैं, आगे चल के हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल क्या रहता है, ये प्लेन रहता है। अब बिल्कुल प्लेन होगा तो क्या होता है, जब आप कॉन्क्रीट में इसमें डालते हो तो इसकी क्या होती है, अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाती है, ग्रिप इसकी अच्छे से नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको मोस्टली अपन किस में यूज करते थे, अपन लोग स्ट्रप्स में इसको यूज करते थे, ठीक है। अब तो स्ट्रप्स के लिए भी हमारे TMT बार्स आ रहे हैं, और उसमें भी क्या है, हमारे रिप्स और लक्स आते हैं। तो आपका जो द सरफेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स आर प्लेन और इट राउंड इन शेप, जितने भी रहते हैं सारे के सारे आपके राउंड ही होते हैं शेप में, ठीक है। लेकिन जो आपके ये बार्स होते हैं इजीली क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, दे आर इजी टू कट एंड बेंड, दे आर इजी टू कट एंड बेंड विदाउट डैमेज। ये आपके आराम से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं। इसीलिए हम इसमें कहाँ पे यूज करते हैं, इसको स्ट्रप्स में यूज करते हैं, क्योंकि जब आप रिंग बनाने वाले होते हैं तो आपको हर जगह क्या करना पड़ता है, बेंड देना पड़ता है, हुक देना पड़ता है, ठीक है। तो कटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम किसका माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, कि आराम से क्या हो जाता है, बिल्कुल ये आपका कट हो जाता है और बेंड हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका माइल्ड स्टील होता है, ये जनरली आपका एट अवेलेबल इन FE 250 ग्रेड में क्या होता है, ये आपका अवेलेबल होता है। अब आप कहेंगे FE 250 क्या होता है, तो आगे हम आपको बता रहे हैं FE 250, FE 415, FE 500, FE आयरन डिनोट करता है और 250 आपकी यील्ड स्ट्रेस डिनोट करती है, कि किसी बार्स की आपकी क्या है, यील्ड स्ट्रेस कितनी है। अभी यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं, इतना लिख लीजिए आप। फिर से देख लीजिए, जो आपका रीइंफोर्समेंट बार है इसको आप रीबार्स कहेंगे, और जो रीइंफोर्समेंट बार होता है वो आपकी स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए ही यूज होता है। इंटरव्यूज में और पेपर में यही क्वेश्चन आता है, कॉन्क्रीट और आपका स्टील, कॉन्क्रीट और रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट आपका हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए ही क्या होता है, यूज होता है। और जब भी स्ट्रक्चर फेल होता है तब सबसे पहले आपका क्या फेल होगा, स्टील आपका फेल होगा, स्टील की वजह से ही आपका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, फेल होता है। जो स्टील रीबार्स होते हैं आपके स्केलेटन के फॉर्म में, आपके इरेक्टेड फॉर्म में रहते हैं, और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कॉन्क्रीट को प्योर कर देते हैं, ठीक है।
या हमारे फुटिंग स्लैब कॉलम रूफ हर जगह पे यूज होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा माइल्ड स्टील है, HYHD स्टील है और TMT बार्स है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा TMT बार्स यूज होता है। माइल्ड स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील का जो क्या होता है आपका सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है और ये इजी आराम से कट हो जाता है और बेंड हो जाता है। इसकी जो यील्ड स्ट्रेस होती है बहुत कम होती है। यील्ड स्ट्रेस हम कैसे पता लगाएंगे, इसके ग्रेड से। तो ग्रेड इसका क्या है, Fe 250, तो 250 मतलब 200, जैसे पहले कॉन्क्रीट होता था M20, M25, M15, तो उससे हम क्या पता लगाते थे कि 15 है तो उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 15 न्यूटन पर mm² है। इसी तरीके से अभी हम आगे बताते हैं, जब ग्रेड ऑफ स्टील बताएंगे कि जो आपका ग्रेड होता है, ग्रेड से हम कैसे पता लगाते हैं कि कितनी उसकी क्या रहेगी, यील्ड स्ट्रेस रहेगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। क्या होता है, कहीं कहीं होता है, अभी भी होता है। जैसे आप देखो, अभी आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, उसमें यूज नहीं हुआ था, उसमें क्या था, TMT था, और जहाँ पे यूज होता है होता है, तो कोई कर लेते हैं उसको यूज, जैसा भी उसको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हो गया ये? Yes, ये वाला हो गया? जल्दी जल्दी कर लो। यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, होता है यूज लेकिन बहुत कम होता है माइल्ड स्टील, ठीक है। बिल्कुल पतली पतली सी इसकी रहती है और बिल्कुल प्लेन सरफेस रहता है। अभी आपको डायमीटर बताएंगे आगे, तब बताते हैं फिर डायमीटर में कितने डायमीटर के पाए जाते हैं ये। हो गया तुम लोगों का? हो गया? इसके बाद आता है हमारा HYHD स्टील बार। HYHD से क्या ये डिनोट कर रहा है, पहली बात, यदि आप इसके डीप में जाएंगे तो HYHD और TMT दोनों डिफॉर्म्ड बार्स के अंदर आते हैं। यदि हम इसको देखें, HYHD क्या कहता है आपका, HYHD मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। इसलिए आपका क्या डिनोट कर रहा है कि जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसकी बहुत हाई है। जैसे कि हमारा क्या था, अभी हमने माइल्ड स्टील देखा था तो उसमें क्या था, Fe 250 में आ रहा था वो। 250 मतलब क्या है, उसकी यील्ड स्ट्रेस बहुत कम है। अब यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि जब आपका मान लो कोई बार है, वो बार को आपने क्या किया, उसको खींचा, या किसी भी मटेरियल को आपने क्या किया, खींचा, जब भी आप उसमें क्या करोगे, उसको खींचोगे, तो खींचने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, इतना स्ट्रेस उसमें लग जाएगा कि क्या होगा, वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जहाँ तक वो लोड उसमें आ रहा है और वो अपना ओरिजिनल शेप चेंज ना करे, मतलब कि आप लोड लगाओ और चेंज करे और लेकिन फिर वहीं पे आ जाए, ओरिजिनल शेप मतलब प्लास्टिक फॉर्म पे ना आए, वो आपका क्या कहलाता है, यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। और यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या होता है कि जो आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस उसमें डेवलप हुआ, तो अपनी जो ओरिजिनल शेप है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ओरिजिनल शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। आपने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद उसको खींचा, या आप अपन UTM से देखते हैं इसको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होते हैं, उससे अपन उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने के बाद जब उसने जितने लोड पे अपना क्या कर दिया, शेप अपना चेंज कर दिया, वो आपका क्या कहलाएगा, यील्ड स्ट्रेस कहलाएगा। और जिस स्ट्रेस पे जाके वो क्या हो गया, बिल्कुल से वो टूट गया, मतलब जितना आपने क्या लगाया उसमें स्ट्रेस लगाया, वो स्ट्रेस लगाते गए और उसके बाद जहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रक्चर ब्रेक होने के पहले की जो क्या होगी, वैल्यू होगी,
उसको आप क्या कहेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको हम कहते हैं, कि कितना आपने लोड लगाया, उसने अपनी शेप भी चेंज कर दी, उस शेप चेंज करने के बाद वो क्या हो गया, वहाँ पे वो टूट गया, मतलब उसके आगे अब वो नहीं खींच सकता, जितना खींचना था वो खींच गया, इसके बाद क्या होगा, अब वो ब्रेक होगा, तो जो लास्ट क्या वैल्यू रहती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, अभी हम आपको डिटेल में इसको बताएंगे, लिखवाएंगे पूरा, लेकिन अभी इतना आप समझ लो कि एच बाई एच डी मतलब क्या होता है, कि इसमें हाई यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, क्या होती है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ रहती है। तो एच बाई एच डी बार में लिखते हैं कि एच बाई एच डी स्टैंड फॉर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, और ये क्या होता है, इसकी प्रोसेस कैसी होती है, दे हैव नॉर्मल बार मेकिंग प्रोसेस, हैव नॉर्मल बार मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि सारे सारे बार्स बनते हैं वैसे ही इसको बनाया जाता है, बट आफ्टर कूलिंग, लेकिन जब ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, बट आफ्टर कूलिंग इट इज ट्विस्टेड, इसको क्या कर दिया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, उसको घुमा दिया जाता है, इट इज ट्विस्टेड सो दैट देयर इज so that there is ribs and lugs on the surface of bar, ribs and lugs on the surface of bar। इसमें क्या होता है कि जब आप जैसे इसकी नॉर्मल प्रोसेस होती है बनाने की बार्स की वैसे ही होती है, लेकिन जब इसको अपन बार्स बनाते हैं तो ठंडा करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको आप क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से उसको ट्विस्ट कराया जाता है, तो ट्विस्ट होने के बाद जब ये बार्स आपका क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएंगी, इस टाइप्स की आपके क्या आ जाते हैं, आपके ऐसे आपके रिब्स आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, ऐसे 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 रिब्स आपके इसमें सरफेस पे आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, दे हैव सुपीरियर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, दे हैव सुपीरियर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गिव ग्रेटर बॉन्डिंग विथ कॉन्क्रीट। जो आपका एच वाई एच डी बार होता है, ये आपका इसमें क्या रहता है, रिप्स की वजह से, जब इसमें क्या होंगी, इस तरीके से रिप्स लगी होंगी, तो रिप्स की वजह से क्या होता है, कॉन्क्रीट में डालते हैं, तो कॉन्क्रीट क्या करता है, इसके सरफेस को अच्छी तरीके से क्या कर देता है, ग्रिप बना लेता है, तो उसकी क्या होती है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, हायर मतलब गिव ग्रेटर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देता है कॉन्क्रीट को, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी कैसी होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हमारे पाए जाती है, इट्स अवेलेबल इन Fe415 और Fe500। Fe415, Fe500 में हमारे H by HD बार पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब जो सबसे ज़्यादा हमारा चलने वाला बार्स आया, मतलब पहले माइल्ड स्टील एच वाई एच डी स्टील को ट्विस्ट कराया, इसके बाद आया हमारा TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। जो आपका TMT बार होता है, इतना लिख लिया, इधर का लिख दिया,
अब आपका क्या है, टीएमटी बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसको कहते हैं हम थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये क्या होते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब इनकी मेकिंग प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब ये क्या रहते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो इसको सडनली क्या करा दिया जाता है, कूल करा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसके बीच में क्या रहता है, कोर रहता है, जो कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। मतलब जो आपका बार्स है, बार्स के बीच में आपको क्या देखेगा, ऐसा कोर देखेगा, कोर क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और जो ये वाला आपका पार्ट है, ये आपका कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, आउटर पार्ट अपन कह सकते हैं हार्ड है। और इसमें क्या होती है, इस टाइप से रिब्स एंड लग्स इसमें क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं, रिब्स एंड लग्स रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा होती है, मोर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। अच्छा एक चीज बताओ कि आपका मान लो बीच में क्या है, सॉफ्ट है, कोर है, बाहर कैसा है, हार्ड है, तो जब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लगाओगे यील्ड स्ट्रेस लगाओगे, मतलब इसमें आप क्या लगाओगे, खींचोगे, टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे, तो क्या होगा, ये इसकी जो क्या होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ज़्यादा होती है, कैसा होता है ये, और ज़्यादा क्या होता है, खिंचता है, मतलब कैसा होता है ये, और ज़्यादा अपना खिंचाई अपनी देता है, इसलिए इसका यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, और ज़्यादा होता है, और आगे तक क्या हो जाता है, वो खिंच जाता है। अब ये आपके जो आपका HYHD बार था, ये कैसा था, पूरा हार्ड था। अब पूरी कोई भी हार्ड चीज़ है, उसको आप ज़्यादा खींचोगे तो अपने मन से जल्दी से टूट जाएगी, और जब अंदर उसमें क्या है, सॉफ्ट है, तो उसको आप खींचोगे तो हल्का सा इससे क्या होगा, ज़्यादा आपका यील्ड स्ट्रेस वो देगा। तो इसकी मोर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ इसकी बहुत हाई होती है, और थर्मल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है इसका, हाई थर्मल रेजिस्टेंस। और ये कैसे आपका आता है, आफ्टर फाइनल रोलिंग दीज बार्स आर सडनली कूल्ड। फाइनल रोलिंग होने के बाद इन बार्स को क्या करते हैं, सडनली कूल कर देते हैं, इसलिए अंदर का पोर्शन क्या रहता है, इसका सॉफ्ट बना रहता है, ठीक है। इसकी डक्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर से बता रहा हूं मैं कि आप क्या करोगे, उसको अंदर क्या है, सॉफ्ट है, और सॉफ्ट चीज को जितना भी आप खींचोगे तो हार्ड चीज की अपेक्षा, एज कंपेयर टू हार्ड स्ट्रेटा, ये क्या होगा, इट्स गिव बेटर यील्ड स्ट्रेस, मतलब यील्ड स्ट्रेस ये थोड़ा सा अच्छा देगा। तो अभी हम जितने भी यूज करते हैं, सब कोई TMT बार्स ही यूज कर रहा है। यदि आपने कभी बार्स देखा तो उसमें आप देख लेना कि बाहर हार्ड रहेगा और जब बीच में देखना तो हल्का सा आपको क्या लगेगा, सॉफ्ट पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये आपके क्या होते हैं, बार्स होते हैं। फिर बहुत सारे एपॉक्सी कोटेड बार होते हैं, जिसमें क्या लगा देते हैं अपन, ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, TOR बार्स होते हैं, TMX होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, जो आज यूज हो रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद देखते हैं रिप्स और लक्स इन स्टील बार, ये हो गया रिप्स एंड लक्स इन स्टील बार।
नहीं नहीं उसको कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल रिफ्स और इनको कहते हैं ट्रांसवर्स रिफ्स। अभी बता रहे हैं आपको, रिफ्स और लक्स एक ही चीज है। रिप्स और लग्स इन स्टील बार, रिप्स और लग्स इन स्टील बार। रिप्स और लग्स क्या होता है? तो द इम्पोज्ड पैटर्न द Imposed pattern formed over the imposed pattern formed over the reinforcement bar is known as ribs or lugs in bar। जो आपका रिइंफोर्समेंट बार में ये उठा उठा हुआ जैसा पैटर्न रहता है, आगे डायग्राम बना देते हैं, जो उठा उठा हुआ सा पैटर्न रहता है, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली होता है वर्टिकली होता है, उस उठा उठा सा पोर्शन रहता है जिसकी वजह से कॉन्क्रीट की अच्छी ग्रिप बन जाती है स्टील सी, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्स और लक्स कहते हैं स्टील बार के। अब द रिप्स दैट आर द रिप्स दैट आर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, द रिप्स दैट आर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ऐसे रिप्स जो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है उनको आप क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल रिप्स कहेंगे, आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल रिप्स। जबकि आपका इम्बोज पैटर्न द इम्पोज्ड पैटर्न इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन द इम्पोज्ड पैटर्न इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स रिब्स। It provides anchorage in concrete, structure and avoid slippage of the concrete material from the reinforcement bar।
ये देखिए आप लोग, द इम्बोज पैटर्न फॉर्म्ड ओवर द रीइंफोर्समेंट बार, जो रीइंफोर्समेंट बार के ऊपर इम्बोज पैटर्न रहता है, मतलब हल्का सा उठा उठा हुआ सा जो पैटर्न रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्स और लक्स कहते हैं बार में। रिप्स दैट आर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो आपका क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है उसको आप क्या कहेंगे, आप लॉन्गिट्यूडनल रिप्स कहेंगे। और द इम्बोज पैटर्न इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो आपका क्या रहेगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेगा उसको आप क्या कहोगे, ट्रांसवर्स रिप्स कहोगे। इट प्रोवाइड्स एंकरेज इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, मतलब जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है और आपका क्या है आपका स्टील स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कर देगा दोनों को एक अच्छी ग्रिप प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, और स्लिपेज से क्या करता है रोकता है, स्लिप होने से क्या करता है वो उसको रोकता है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड अवॉइड स्लिपेज ऑफ द कॉन्क्रीट मटेरियल फ्रॉम द रिइंफोर्समेंट बार, रिइंफोर्स बार से स्लिपेज होने से वो बचाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मान लो बार से लेटा हुआ रहता है तो अपन इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रिप्स और ट्रांसवर्स रिप्स लिख लीजिए इसको, रिप्स और लक्स एक ही चीज है। अभी हम आपको यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में अलग से पूरा लिखवा देंगे, बता देंगे। अभी हमने केवल आपको केवल बता दिया है कि आपका जो क्या है बार से या कोई भी मटेरियल है उसको जब खींचा जाता है तो वह स्ट्रेस जहाँ तक वो अपना प्लास्टिक फॉर्म मतलब दूसरा ना कर ले अपना, कि एक एक तरह से आपने उसको खींचा, वो खींचने के बाद वह उतनी उसकी वैल्यू कि वो दूसरे मतलब फॉर्म में ना आ जाए, अपने फॉर्म में जब तक वो रहेगा बिल्कुल एक सा रहेगा तब तक आप उसको जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप कहोगे यील्ड स्ट्रेस। और वाइब यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या होगा, वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज कर देगा, ओरिजिनल फॉर्म जब चेंज कर दिया उसमें और स्ट्रेस लगाया आपने तो चेंज करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा मतलब फेल हो जाएगा। तो ब्रेक होने के पहले जो आपका क्या रहता है स्ट्रेंथ रहती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, कि मतलब इसके बाद आपका क्या होगा, अब खींच नहीं सकता, ऊपर नहीं जा सकता और क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको आपको लिखा देंगे, अभी आपको क्या लगता है याद रखना है, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का रूप पढ़ा होगा आरसीसी में। हो गया ये, हो गया, चलो ये वाला हो गया, ये वाला इसके बाद देखिए आप ग्रेड्स ऑफ स्टील बार, स्टील जो बार्स होते हैं कौन कौन से ग्रेड में आपके अवेलेबल होते हैं, तो यदि आप देखें कोई भी आपके पास स्टील बार है वो किस टाइप का होगा आपका, ये आपका स्टील बार है, या मान लो इस तरीके से आपका देखा जाता है
कोई भी आपका स्टील बार है यदि आप उसको देखो, यहाँ पे बगल में डले हुए हैं जहाँ पे आप लोग साइड में गए थे, तो अपन देखते हैं कि इस तरीके से TMT होते हैं मैक्सिमम। क्या होता है इस तरीके से, उसमें क्या रहता है, रिप्स रहते हैं। अब बीच में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ उसमें नाम रहता है, बहुत सारे नाम है, अपन को नाम नहीं लेना चाहिए वीडियो में, टाटा वगैरह है, बहुत सारे हैं। अब आपने जो उसमें नाम लिखा रहेगा वो कंपनी का नेम रहेगा, जो उसमें आपका TMT SYHD जो भी लिखा है वो आपका क्या है, उसका टाइप है। Fe डिनोट करता है आयरन को। अब जो मैंने वैल्यू बताई थी अभी कि माइल्ड स्टील आपका था तो कितना था, 250, फिर 415, 500, जो भी आपका लिखा हुआ है वो आपका क्या है, ईल्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है, उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ है किसमें, इन मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। हमारी जो हम कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ते थे, M20, M15, M10 ये सब रहते थे, उसमें भी क्या रहती थी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती थी वो किस में आती थी हमारी, मेगा पास्कल में आती थी, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जो अब क्या रहता है, कई बार्स में क्या रहता है, आपका 500 बस लिखा रहता है, 415 बस लिखा रहता है, और कई बार्स में क्या आता है, आगे डी लगा हुआ रहता है। बहुत सारे बार्स हैं जिनमें क्या आता है, आगे डी लगा हुआ रहता है। डी मतलब होता है उसकी हायर डक्टिलिटी, कि इसकी जो क्या होगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, नॉर्मल वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे यदि आप 500 ले लो, आप क्या ले लो, Fe 500 ले लो, Fe 500 D ले लो, तो क्या है, इस Fe 500 क्या डिनोट कर रहा है कि आपका 500 ईल्ड स्ट्रेंथ है, और 500 D भी आपका क्या डिनोट कर रहा है कि ईल्ड स्ट्रेंथ 500 है, लेकिन आपका जो उसमें डी अलग से लगा है तो हायर डक्टिलिटी को डिनोट करता है कि आपकी इसकी जो क्या होगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा रहता है, इसके बाद नंबर लिखा रहता है कि क्या होती है, इसकी डायमीटर होती है, ठीक है, 12 mm, 16 mm, जितने mm का भी डाया है, अलग अलग mm का डाया अलग अलग काम के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेड्स ऑफ स्टील बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेड, फिर यील्ड स्ट्रेस, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब ये आप देखिए यहाँ पे हम अपने क्या लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आपका यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, मेगा पास्कल में, और मिनिमम बताएगा कि कम से कम इतना यील्ड स्ट्रेस उसका रहेगा। फिर रहती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में आती है, ठीक है, और ये भी आपकी क्या रहती है, मिनिमम। इसके बाद आता है एलोंगेशन, एलोंगेशन आपको नहीं बता पाया, उसको भी आपको आगे बता दूंगा। एलोंगेशन मतलब होता है कि कितना परसेंट वो खिंचा, ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी, वो खिंचने के बाद मतलब टूटने के पहले कितनी लेंथ उसकी, कितनी लेंथ बढ़ गई, वो कहलाता है एलोंगेशन। तो किस में आएगा, परसेंटेज में। अभी आपको बताएं, ऐसे मान लो कोई चीज़ आप खींच रहे हो, रबड़ को खींचा आपने, तो खींचने के पहले वो कितनी थी, मतलब छोटी सी रबड़ थी जितनी भी है, मान लो आपने मान लिया 5 mm की है, 5 cm की है, वो आपने जब उसको खींचा, वो खींचते खींचते टूटने के पहले कितने की हो गई, वो 10 mm तक की हो पाई, ठीक है, या 10 cm तक की हो पाई, और उसके बाद फिर क्या हो गई, वो टूट गई। तो क्या हो गया, कितने परसेंट क्या हो गई, वो उसकी जो लेंथ थी वो बढ़ गई, वो क्या कहलाता है, एलोंगेशन। इसको मैं आपको डिटेल में बता देंगे आगे। तो ये आपका क्या होता है, ग्रेड आपका यील्ड स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, और एलोंगेशन आपका किस में होता है, परसेंटेज में होता है। अब आप देखिए ग्रेड आपके आते हैं Fe 415 Fe 415 D
FE 500 FE 500 D FE 550, बगल में जो रखा था जो आपका बार था वो 550D का ही था, 550 FE 550 D और FE 600, ये आपके बार्स हो गए। अब आप, मैंने बताया था जैसे उसमें क्या रहता था, कॉन्क्रीट में क्या रहता था, M20 M15, M का डिनोट करता था मिक्स और 20 का करता था कनेक्टर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 28 डेज में न्यूटन पर MM2। इसी तरह आपका जो क्या रहता है FE आपका आयरन डिनोट करता है, ठीक है, और जो 415 500 550 ये आपका क्या डिनोट करता है, यील्ड स्ट्रेस डिनोट करता है। तो इसका मतलब कि यील्ड स्ट्रेस का कितना हो गया 415 किसमें, न्यूटन पर MM2 में, पहले ही लिख दिया अपन ने, ये भी 415, ये 500, ये भी 500, ये भी 550, ये भी 550 और ये 600। अब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इसकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। यील्ड स्ट्रेस दोनों की क्या थी, एक सी थी, लेकिन ये हायर डक्टिलिटी को आपको शो कर रहा है तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसकी रहती है 485 मेगा पास्कल, इसकी रहती है 500 मेगा पास्कल, इसकी 545 मेगा पास्कल, 565 मेगा पास्कल, इसके बाद 585 मेगा पास्कल, 600 मेगा पास्कल और 660 मेगा पास्कल। जो इसकी क्या रहेगी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, चेंज रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा था 415, इसका एग्जांपल ले लो 415 और 415D। अब इसमें 415 बस दिख रहा है तो इसकी क्या है, जो यील्ड स्ट्रेस है वो आपकी सेम है, और जिसमें डी आ गया तो क्या हो गया, ये डक्टिलिटी इसकी ज़्यादा है तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है एलोंगेशन, तो इसका रहता है 14.5%। अब देखो जब डक्टिलिटी आपकी बढ़ी है, ध्यान दीजिए, जब आपकी क्या हुई है डक्टिलिटी बढ़ी है तो क्या हुआ है, वो और ज़्यादा खिंचा, मतलब जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उसके बाद जो खिंचने के बाद जो लेंथ हुई वो और ज़्यादा बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद जो लेंथ हुई तो इसमें क्या होगा, एलोंगेशन भी क्या हो जाएगा, दोनों में इसका डी वाले का ज़्यादा हो जाएगा सारे केस में। तो 14.5% ये आपका, 18% इसका, 12% इसका, 16% इसका, 10% 14.5% और इसका 10%। आप सभी केस में देख सकते हो कि जैसे 500 है 500D है तो इसमें क्या है आपकी 500 में 12 है और 500D में क्या है आपकी 16% है। तो ये आपके क्या होते हैं, ग्रेट्स ऑफ स्टील बार्स होते हैं जो हमको हमेशा चेक करने होते हैं, यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कहीं पे तो भी इसका यूज होता है, आगे आपको हम बताते हैं, ठीक है। हाँ, जो इसका एलोंगेशन है, एक चीज़ और है, इसका जो क्या होता है एलोंगेशन परसेंटेज होता है वो जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ स्टील क्या होगा, बढ़ेगा, यील्ड स्ट्रेस आपका बढ़ेगा तो एलोंगेशन आपकी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि आपका कितना था यहाँ पे, FE 415 था तो कितनी थी, 14.5 थी, ठीक है। यहाँ पे कितना आया आपका, 500 आया तो 500 का 12, मतलब उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद फिर क्या आया आपका, 550 तो 550 में आपका कितना था, 10, फिर आपका आया 600 तो 600 में भी 10। जैसे जैसे आपका क्या होता है ग्रेड बढ़ता है, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा एलोंगेशन का परसेंटेज क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, मतलब कि जो एलोंगेशन का परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका कम होता है जैसे जैसे आपका ग्रेड आपका बढ़ता है। अब आपको इसमें ये देखना है, इसमें कभी कभी कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं यील्ड स्ट्रेस के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, जैसे आपने M20 वगैरह के लिए, अपन ने कॉन्क्रीट के लिए देखा था, उसी तरीके से इसमें हम जो स्टील के लिए देखते हैं तो हमसे ऐसे ही पूछा जाता है
कि कौन से ग्रेड का है तो कितना यील्ड स्ट्रेस होगा, कितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, कितना उसका एलोंगेशन होगा, तो ये हमको देखना है। और इसके बाद आपको हम बताएंगे पूरा एलोंगेशन के बारे में, एलोंगेशन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे, कितने डायमीटर्स के बार्स अवेलेबल होते हैं, कौन सा डायमीटर का बार कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या है जहाँ पे हम यूज कर सकें, बाकी जो डायमीटर ऑफ बार होता है और उसकी स्पेसिंग होती है वो क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे ही क्या होती है, डिपेंड करती है कि जैसी आपकी ड्राइंग बन के आई है उस ड्राइंग के आधार पे ही आप क्या लगाओगे, बार्स लगाओगे। अपन लिखते हैं 12 mm डायमीटर ऑफ बार्स, आपने RCC में पढ़ा होगा 12 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन ने उसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद फिर हमने बताया कि कितने mm का बार्स आना है और वो बार हमको कहाँ लगाना है। हम यहाँ पे केवल इतना पढ़ेंगे कि बार होता क्या है, कितने mm का होता है, क्या टाइप हो सकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि यदि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने और मान लो डिजाइन करना हमने स्टार्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे उसको, हमको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि इतना स्ट्रेस आएगा, इतनी स्ट्रेंथ आएगी, इतना ऐसा होगा, ठीक है।